हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पीएनएसटी की जो एग्ज़ाम हुई है 2022 की, उसमें 21 का जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में। 21/10/2022 सेकंड शिफ्ट, बहुत सारे बोल रहे पेपर इजी था, बहुत सारे बहुत टफ था, पैटर्न चेंज हो गया, ये वो। अब कैसा था वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 121 से इंग्लिश स्टार्ट थी आपके एग्ज़ाम में, पेपर में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वी डैश फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। अब ऑप्शन देखते हैं, आर प्रिवेंट, हैज प्रिवेंट, वर प्रिवेंट और वर प्रिवेंटेड। वी प्लूरल है, ठीक है, वी प्लूरल है मतलब हैज तो कहीं से कहीं तक आ नहीं सकता, आर आ सकता है, वर आ सकता है, वर आ सकता है सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब आर के साथ में या तो वर्ब की आईएनजी आता है या पैसिव फॉर्म होता है तो थर्ड फॉर्म आता है, मतलब आर प्रिवेंटेड होना था, ये रॉन्ग है। आर वर प्रिवेंट भी रॉन्ग है, वर के साथ प्लस आईएनजी आता है अगर एक्टिव होता है, एंड पैसिव होता है तो वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वर प्रिवेंटेड ये पैसिव का क्वेश्चन था, वर प्रिवेंटेड। इतना इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। ग्रामेटिकली एरर बतानी है। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। इतनी सिंपल है, या तो अभी तक तो आपके एरर पूछा जाता है वन स्लैश, सेकेंड स्लैश, थर्ड स्लैश या फिर नो एरर, इस टाइप से। वही पार्ट को इसने यहाँ पे लिख के दे दिया कि इन इन पार्ट में एरर है। अब आप बताइए इनमें से किस में एरर है, कहाँ पे मिस्टेक है, वो बताना है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट तो सब्जेक्ट प्लूरल दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वर्ब भी प्लूरल दी, ओके, दैट मैनी क्लियर है। हैव अ लैंग्वेजेस, अब आप यहाँ पे देखेंगे अ स्पेशल लिखा है, ए स्पेशल मतलब एक स्पेशल भाषा की बात कर रहे हैं, एक विशेष भाषा। तो भाषा होना है मतलब लैंग्वेज होना था, लैंग्वेजेस नहीं, लैंग्वेजेस हो जाएगा प्लूरल, तो ये सिंगुलर फॉर्म आएगा, प्लूरल फॉर्म नहीं, क्योंकि एक स्पेशल लिखा है, अ लिखा है तो अ के साथ तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, इसलिए अ स्पेशल लैंग्वेज आएगा, स्पेशल लैंग्वेजेस नहीं। कितना सिंपल था, आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया है, और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पूरे 30 में से 30 नंबर नहीं चाहिए, आपको 150 में से 150 ला के क्या करोगे, इतने तो चाहिए नहीं। आपको पास होने के लिए 70-80 नंबर चाहिए, तो आप पूरे नंबर लाने की कोशिश ना करें। वैसे भी यहाँ जो इतने 30 में से दो तीन क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग भी हो रहे हैं या आपको नहीं भी आ रहे तो उनको लेके ना चले कि पेपर टफ आया टफ आया। अब जो बन रहे हैं वो, अब यहाँ पे आपने देखा अभी तक ये तीन क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट दिया है पूरी, थर्ड क्वेश्चन अब है, ठीक है। दिस ग्रुप्स गेदर्ड क्लोथिंग एंड मेडिकल सप्लाइज डैश द डेस्टिट्यूट फ्लोर्ड विक्टम्स। सप्लाइज फॉर के लिए, ठीक है, प्रीपोजिशन दी है आपको। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस, बताना है आपको जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, द बास्केट ऑफ फ्रूट्स हैड बीन सेट, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है, ठीक है, बाय भी लगा है, आप देख सकते हैं पैसिव है, आपको एक्टिव ढूंढना है। अब हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म कब बना होगा, पैसिव में हमेशा उसके आगे वाले में चेंज करते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा तब हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज हुआ होगा, और पैसिव में अपन थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा होगा। तो आपको एक्टिव बनाना है तो रिवर्स आ जाओ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। यहाँ पे ओनली सेट्स है फर्स्ट ऑप्शन में, ये नहीं होगा, हैज सेट है, और बट इसमें क्या दिया है आपको, एंड डी ऑप्शन में दिया है द मैन सेट, तो ये दो ऑप्शन तो आ नहीं सकते। फिर देखते हैं, द मैन
हैज़ नहीं होना चाहिए, आपका हैड देना है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि हैड बीन दिया है, तो हैड थर्ड फॉर्म ढूंढना है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिर्फ वर्ब देखनी है और इससे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ वर्ब वर्ब देखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी यही बताना है। ग्रीक सिटीजन्स ब्लेम द न्यू अराइवल्स फॉर द इंक्रीज इन अर्बन क्राइम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में ब्लेम प्रेजेंट सिंपल है, मतलब एक्टिव है, आपको पैसिव देखना है, तो ब्लेम प्लूरल फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा, मतलब इज एम आर, जब क्या हो जाएगा, या तो इज होगा या एम होगा या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा, तो यहाँ पे वर्ब दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखनी है आपको, और वर्ब अगर दो में सेम दी है तो फिर आपको थोड़ा और आगे चेक कर लेना है कि क्या मिस्टेक दी है, दोनों में से कौन सा सही होगा। द न्यू अराइवल्स हैड बीन भी नहीं होगा, यहाँ पे भी वर्ड दिया है, ये भी नहीं होगा, अपने को इज या एम या आर में से कोई सा भी वर्ब चाहिए, यहाँ पे दिया है द न्यू अराइवल्स, आर ब्लेम्ड, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है, गिगेंटिक मीन्स होता है विशाल, बड़ा, ये मैंने 2014 का एक पेपर सोल्व करवा के अपलोड कर रखा है करके, उसमें ये सिनोनिम या एंटोनिम कुछ आया हुआ है, तो वहाँ से देखो पुराने भी रिपीट होते हैं। एंटोनिम पूछा है आपका, इसका मीन्स होता है बड़ा, विशाल, तो टीनी मीन्स होता है बहुत छोटा, ज़्यादा छोटा, ठीक है, उल्टा पूछा है। नेक्स्ट दिया आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकली एरर, बतानी है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लॉस इट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कहाँ पे, एग्रीकल्चर में, मतलब खेती करने में, कृषि करने में, इज टू टर्न द सोइल, मतलब सोइल को, मिट्टी को पलटाना या फिर टर्न करना, या फिर उसको क्या करना, ढीला करना, मतलब उसी मिट्टी में फसल बोओगे तो नहीं होगी, उसको टर्न करना, पलटाना। तो लूज मीन्स होता है लॉस है, लॉस मीन्स होता है हानि, तो यहाँ पे लॉस नहीं आना चाहिए, यहाँ आपका आ जाएगा एल ओ डबल एस ई एन, लोजन मीन्स होता है ढीला करना, मिट्टी को ढीला करना, तो एंड लॉस इट नहीं होगा, लॉस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है किसी के लिए, किसी ने मतलब इतना वर्क पे ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मान सकते हैं इतने क्वेश्चन में से अभी तक। आगे देखते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि 2 से 3 नंबर आपके नहीं भी आ रहे तो क्या दिक्कत है, पूरे में से पूरे आपको नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे ही ईजी देगा तो टफ फेल किसको करेगा, कुछ ना कुछ तो उसको टफ भी बनाना ही है, तो 2-3 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है कि आपके गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन ऑप्शन, आइडेंटिफाई द पार्ट द कंटेंट ग्रामेटिकली एरर। एलिजाबेथ पिप्ड हर रिवल विद द गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन विथ द गोल्ड मेडल इन द, या फिर नो एरर, या फिर इनमें से किस पार्ट में आपके एरर है, या तो ओब्लिक करके देगा या अंडरलाइन करके देगा या 4 ऑप्शन में, इस टाइप से मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले, कि किस किस टाइप से एरर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजाबेथ पिप्ड हर रिवल, एलिजाबेथ ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा कर, प्रछाड़ कर, इस टाइप से गोल्ड मेडल के लिए, है ना, उसको हरा दिया के लिए, तो यहाँ पे विथ नहीं आएगा, फोर आएगा, विथ नहीं आएगा, फोर आएगा, फोर द गोल्ड मेडल, किसके लिए, गोल्ड मेडल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, इतना इजी है क्वेश्चन दिया है, गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू अस रेस्ट हर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ पे एक रूल लगता है जब द की बात होती है, ए एन तो सिंगुलर की बात होती है, तब कि जब किसी भी नाउन के दूसरी बार बात होती है तो आप द का यूज़ करते, वही हो रहा है कि जिसको क्वेश्चन पूछना था ना उसके पास में बैठी थी एक लड़की,
नेक्स्ट टू अस रेस्ड हर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन. उसको एक क्वेश्चन पूछना था तो उसने अपना क्या किया, हाथ खड़ा किया, हाथ रेस्ड किया. उसने उसकी बात हो रही है. स्पेशल समझ सकते हैं आप या फिक्स डिफाइन कर रहे हैं ये बता सकते हैं, तो यहाँ यूज़ होगा. द गर्ल, कौन सी, वो गर्ल जिसको क्वेश्चन पूछना था, ऐसा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. द टीचर गोट एंग्री. एंग्री के साथ में एट भी यूज़ किया जाता है एंड विथ भी यूज़ किया जाता है. एंग्री के बाद यदि किसी पर्सन से गुस्सा है, आप दे मार आए, तो यहाँ पे विथ यूज़ होगा. पर्सन के अदर कुछ आ जाए तो एंग्री एट यूज़ होता है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विथ. एट तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है, बहुत ईजी कर दिया आपके लिए. नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड. बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मीन्स होता है दयालु, काइंड, जेनेरियस, सेवेज, बार्बरिक और क्रूल. तीनों मीन्स एक ही होता है, ये तीनों सिनोनिम है. क्रूल, निर्दय. तो इसका आपको सिनोनिम पूछा है तो ग्रेशियस हो जाएगा, विनम्र, दयालु. ठीक है, दयालु. नेक्स्ट दिया है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट अ लेबल्ड सेंटेंस. अब इनको देख के लोग घबरा गए थे कि ये क्या आ गया है हमारे. तो ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आ गए आपको, एक हाथ तो इनमें से भी बन जाएगा और बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है. हिंदी करना तो है नहीं, देखो इतना पूरा बैठ के वहाँ पे करोगे तो भी होगा नहीं. और जिससे अगर हिंदी बन रही है उसका तो ऑलरेडी आंसर सही है, सही लगा देगा. तो आपको सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट किससे बनता है, या तो नाउन से बनता है या प्रोनाउन से बनता है. तो सबसे पहले आपको नाउन वाली लाइन को चूज़ करना है. अगर दो नाउन वाली लाइन आ जाए तो फिर आपको चेक करना है क्या है. तब विथ से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. हिज, डायरेक्टली हिज किसे आ जाएगा, पहले किसी के बारे में बात की होगी तब प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा. ब्रियन रुजेल डी पाम इज एन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर. तो इसके बारे में बात हो रही है कि वो एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर है. तो सी वाला ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा और उसके बाद में जो भी आएगा, तो पहले ऑप्शन देख लेना है एक बार, उसके बाद में फिर आगे चेक करना है. ए ए बी मतलब सी वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आगे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. ये आपका एक टाइम बच गया और आंसर भी 101% आपका राइट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. द मैस्ट्री बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स डैश ऑब्जर्व ऑब्सक्योर. द मैस्ट्री, एक रहस्य छिपा हुआ है किसके, डायनासोर्स के पीछे ऐसा. तो एक रहस्य की बात हो रही है तो बीइंग स्टिल कुछ नहीं होगा. ठीक है, बी स्टील नहीं होगा, या तो आर स्टील या इज. अब सिंगुलर है तो इज स्टील होगा ना, आर स्टील किससे होगा. वर्ब चूज करनी है आपको, टेंस का क्वेश्चन बन गया है. नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड. हेमलेट नहीं, हेलमेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट दिया है, पी क्यू आर एस आ गए. मैम पी क्यू आर एस आ गए, हमसे नहीं बने, पी क्यू आर एस आ गए. पी क्यू आर एस तो दिए ही नहीं, सिर्फ और तीन ही दिए, पी क्यू और आर, इतना लंबा तो दिए ही नहीं. देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं. सबसे पहले दिया है, द वेट्रेस हु सर्व्ड द लेडी वॉज प्रेग्नेंट एंड टायर्ड. अब पहले से सर्व कर दिया, किसको करा, क्या है वो नहीं बताया है. तो पहले हु वाली लाइन नहीं आएगी, जिसको जिसका, तो पहले कुछ होगा. तो इन द लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग अ लेडी स्टॉप्ड एट ए स्मॉल डिंजी कैफ. इन द लेटर पार्ट मतलब ऑफ द इवनिंग, इवनिंग के बाद में, मतलब एक शाम के बाद, ऐसा बाद वाले हिस्से में, एक लेडी स्टॉप्ड एट ए स्मॉल, एक छोटे से स्मॉल, एक छोटे से स्टॉप्ड मतलब रुकी, डिग्नी कैफ़े मतलब एक गंदे कैफ़े में वो रुकी. तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी हिंदी कर रही करनी पड़ रही है आपको. तो मैंने पहले ही बोला आपको दो या तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ऊपर गया, दूसरा ये वाला अगर मान सकते हैं कि आपसे नहीं बना और बन जाएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है. कि ये पता है कि ये पहले नहीं आ सकता, आपका क्यू ही पहले आएगा.
एंड डिस्पाइट द अप्रोप्रिएट, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू वाला पहले आएगा। अब तीनों में से क्यू देख लो कहाँ है, ये क्यू बी वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन डैश मी ऑन द हेड, अ स्टोन हैज स्ट्राइक स्ट्रक हैव स्ट्राइक। मैंने पिछले वाले वीडियो में या बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, उनमें बता रखा है कि हैज़ प्लस या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। स्ट्राइक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। स्ट्रक ओनली सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल आ सकता है। हैव स्ट्राइक भी गलत है, इसके साथ भी इसने फर्स्ट फॉर्म लिख दी। हैव स्ट्रक सही है, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं आएगा, अ स्टोन दिया है तो सिंगुलर हैज आ सकता था। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के आपको सोल्व करना है, और मोस्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट दिया है द बैक्टीरिया, ये शायद आपके बॉटनी जूलॉजी का कुछ क्वेश्चन बीच में आ गया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उत्तरदायी हुए फलीदार पौधे किसकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है किसकी जड़ों में, तो फलीदार पौधों में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी आपको सेट करना है ए बी सी डी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी आप नाउन पहले देख लो, मार्क डिड नॉट लीव मार्क माय डस देवर दास कैपिटल इज अ फाउंडेशनल थियोरिटिकल टेक्स्ट इन, तो यहाँ पे देखो डास कैपिटल हो रहा है सब्जेक्ट पहले नाउन, सॉरी, तो सी वाला सबसे पहले आना चाहिए, सी वाला ऑप्शन। अब तीन चारों में से पहले सी वाला ऑप्शन देख लो, अगर दो में सी है तो फिर आगे आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक ही में सी दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। यू आर ऑलवेज ऑनेस्टी एंड देन यू लाइड टू मी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आपको जो यहाँ पे सूटेबल है ना, वो चूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि आपसे सोल्व ना हो, कम से कम दो से तीन की बात करी थी मैंने, तो दो ऊपर हो गए एंड ये तीसरा क्वेश्चन, तो मतलब आपके 27 तो अभी भी सेफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या दिया है, प्रीचिंग, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात की तो इसमें मैच ही नहीं हो रहे हैं। यू आर ऑलवेज प्रीचिंग ऑनेस्टी एंड देन यू लाई टू मी, वो हमेशा क्या करता रहता है, प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देता रहता है ऑनेस्टी। अब एक्यूरिंग अरेंजिंग अरेंज करता रहता है या ड्रिंकिंग करता रहता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी यहाँ पे सेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, एक्यूरिंग मीन्स होता है प्राप्त करना, तो ऑनेस्टी प्राप्त करना नहीं, हमेशा उस पर उपदेश देता रहता है, टिप्पणियाँ देते रहते हैं विशेष दूसरों को, तो लेकिन खुद क्या करता है, यू लाई टू मी, लेकिन खुद तो मुझसे क्या बोलता है, झूठ बोलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिलिंग द ब्लैंक विद द प्रॉपर प्रीपोजिशन। आई एम डिवोटेड, कुछ नहीं करना है, डिवोटेड के साथ टू यूज़ किया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट दिया है, शी फोंड मी फॉर द वीक टू टेल मी दैट शी वॉज गेटिंग मैरिड। यहाँ पे भी किस पार्ट में एरर है वो बताना है। शी फोंड मी फॉर नहीं होता है, शी फोंड फॉर मी, फोंड फॉर मी, कॉल्ड फॉर मी, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, तो यहाँ पे फॉर मी आता है, फॉर मी बोलते हो आप, ना कि मी फॉर बोलते हो, यहाँ फर्स्ट वाला में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद द अंडरलाइन फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब, आस्क्ड आउट मीन्स होता है इनवाइट करना किसी को बाहर जाने के लिए, या फिर किसी, मतलब वही फॉर अ डेट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनवाइटेड फॉर अ डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन, ग्रामेटिकली एरर बतानी है, ठीक है, हाँ ग्रामेटिकली एरर, द जूट प्लांट इज नॉर्मल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज,
सामान्यतः या नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करनी चाहिए किस जूट प्लांट्स की फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावर आते हैं उस टाइम पे, तो इज नॉर्मली हार्वेस्टिंग, इसमें मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है कॉम्पेशन का, इसका मतलब भी होता है करुणा, दया, ठीक है, तो पिटी का मीन्स भी होता है दया, करुणा, सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक, यस्टरडे आफ्टर अ नाइस वॉक वी, ये टेंस का क्वेश्चन और बहुत इजी है, मैंने पुराने पेपर सोल्व करवा रखे हैं उनमें देखा होगा, तो आधे क्वेश्चन तो उसी से ट्रिकी से सोल्व हो जाएंगे। यस्टरडे दिया है मतलब आपका पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी, ऑप्शन अगर अपन देखेंगे तो, डिसाइड्स नहीं होगा प्रेजेंट, डिसाइडिंग नहीं होगा, डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिसाइड फर्स्ट फॉर्म, आंसर हो जाएगा डिसाइडेड, वी डिसाइडेड, यस्टरडे लास्ट, एगो पास्ट सिंपल को शो करता है। नेक्स्ट दिया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल, करेक्टली स्पेल ओकेजन, एथिस्ट में ई आई एस टी आता है, एड्रेस डबल डी एमचर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला, ये करेक्ट स्पेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकली एरर, ग्रामेटिकली एरर बताना है यहाँ पे भी, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस्ड दैट इट टास्क सम टाइम टू ग्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टेंस का क्वेश्चन, मैंने प्रेजेंट सिंपल के ऊपर एक वीडियो बना रखा था, अगर आपने वो देख लिया तो उसी में से तीन से चार तीन क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाते, उसी के दिए है। देखो इफ़ यू, ये एक कंडीशन है, इफ़ प्रेजेंट सिंपल तो फ्यूचर सिंपल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी नोटिस्ड नहीं होगा, ओनली विल प्लस फर्स्ट फॉर्म विल नोटिस आएगा, विल नोटिस। प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। ए गस्ट ऑफ एयर ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना, कैंडल को हवा ने क्या कर दिया, बुझा दिया, एक्सटिंग्विश्ड, इसका मीन्स होता है बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मतलब होता है अस्पष्ट, जिनको जानते नहीं है, अस्पष्ट अननोन मतलब अनजान, तो आंसर हो जाएगा, अब फेमस तो सारी चीज़ों में फेमस हो जाएगा, रिनोव्ड ये भी इसका है, और एनी आई मीन, तो इसका आंसर सिनोनिम हो जाएगा अननोन, अनजान। नेक्स्ट है फिलिंग द, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई नीड टू लुक माय अलाइंग पेरेंट्स, लुक आफ्टर, ये फ्रेजल वर्ब मैंने बता रखी है, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, टेक केयर, उसको ज़रूरत है क्या, काई की अलाइंग पेरेंट्स, बीमार पेरेंट्स की देखभाल करने की, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। ओके थैंक यू वेरी मच।